नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और मोटिवेशनल स्पीकर सागर गारवे। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक बूढ़े इंसान ने फूलों का व्यापार शुरू किया। उन्होंने सोचा कि मेरे आंगन में जो भी फूल आते हैं, जो भी फ्लावर्स आते हैं, मैं उनको तोड़कर बाज़ार में जाके बेचूंगा। और उन्होंने दूसरे ही दिन से वो काम शुरू किया। जब उन्होंने वो काम शुरू किया, वो हर रोज़ बाज़ार में जाने लगे, अपने फूलों को बेचने लगे और घर आने लगे। कई सालों तक ऐसे चलते रहा। कुछ समय बाद वो बूढ़े जो इंसान थे, उनका जो बेटा था, उसने बोला कि पिताजी, आज मैं भी आपके साथ आता हूँ। और एक दिन वो भी उनके साथ गया, वो भी उस बाज़ार में बैठा। रोज़ की तरह उन्होंने भी फूल बेचे और घर पर आया। लेकिन जब उस इंसान का वो लड़का घर आया, तो उसके मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि ये फूल हम रोज़ तोड़ते हैं, इन्हें जाके बाज़ार में बेचते हैं, इससे हमें उतना ही पैसा मिल रहा है जितना हमें रोज़ मिलता है। क्या हमें इसमें कुछ नया करना चाहिए ताकि हम इससे भी और ज़्यादा पैसा इससे मिला सके? तो फिर उसके बाद दूसरे ही दिन उसने सोचा कि इन फूलों से मैं एक माला तैयार करता हूँ, एक हार इसका तैयार करता हूँ, ताकि वो हार अगर मैं बाज़ार में जाके बेचूँगा तो उसकी अच्छी खासी कीमत आ जाएगी और उसमें फूल भी मेरे कम लगेंगे। तो उसने ये जो सोचा उसका इम्प्लीमेंटेशन किया और दूसरे ही दिन उसने कई सारे हार बना के, कई सारी मालाएं फूलों के बना की उसने बेच दी। और जैसे ही उसने दूसरे दिन ये हार बेचे तो उसको प्रॉफिट जो था वो बहुत ज़्यादा मिला। हर रोज़ वो जितने पैसे कमाते थे उससे कई ज़्यादा पैसे उन्होंने आज घर लेकर आए। और उन्होंने सोचा कि यार, ये तो ट्रिक्स चल गया, ये तो फंडा चल गया। कुछ दिन और जाने के बाद उसने सोचा कि हम जो ये सारे फूल बेच रहे हैं, जिसकी मालाएं हम बना रहे हैं, वो फूल सारे एक ही तरह के फूल हैं। अगर हम कहीं और से कुछ दो चार नए फूल लेकर आते हैं और उनको अगर उन मालाओं में डालते हैं, उनको अगर उन हार में हम जोड़ते हैं, तो शायद और भी अच्छा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, और भी अच्छी कमाई हम कर सकते हैं। और जैसे ही उसने ये सोचा, दूसरे दिन से उसने ये इम्प्लीमेंटेशन किया। जैसे ही उसने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया, उसकी कमाई जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। पहले फूल बेचकर वो जितना कमाते थे उससे कई गुना ज़्यादा अब वो कमाने लगे, जबकि वो हार बनाते थे। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है, ये जो उस इंसान की जो कमाई है, जो बढ़ती गई, जो इनकम जो बढ़ती गई, इसके पीछे एक रीज़न है। और वो रीज़न ये है कि आप सभी लोग चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़े, हमारी सैलरी बढ़े, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा प्रॉफिट बढ़े। तो इन सभी के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक बेसिक चीज़ करनी होगी दोस्तों। वो बेसिक चीज़ ये है कि हमें अपने जो स्किल्स है उनको बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, हमें और नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, हमें जो है वो कस्टमर को क्या चाहिए वो समझना पड़ेगा, इस समय की क्या ज़रूरत है वो हमें समझना पड़ेगा। हम वही अपने पुराने चीज़ों को अगर बेचते रहेंगे बार 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 बार, तो हमें उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना हमें मिल रहा है। अगर एक बात ध्यान रखिए, अगर मंजिल नहीं मिल रही तो रास्ता मत बदलिए, तरीके बदलिए। जो भी रास्ते से आप जा रहे हैं, आपको अगर पता है कि मंजिल इसी रास्ते से आते हैं, लेकिन वो रास्ता उस मंजिल तक अगर नहीं जा रहा है, तो आपको तरीका बदलना होगा, आपको दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिस तरीके से आप उस मंजिल तक पहुंच पाए। दोस्तों, यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस में आप है, किसी भी नौकरी में आप है, किसी भी जगह पे अगर आप है, आप अगर खुद का वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, आपकी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बेसिक फंडा आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। और ये फंडा ये है दोस्तों कि आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है, अपने स्किल्स को आपको बढ़ाना है और नए स्किल्स आपको सीखने हैं, ताकि वो नए स्किल जब आप अक्वायर करेंगे तभी आपको अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर पाएंगे, अच्छी सैलरी आपको मिलेंगी, अच्छा रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। सो दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो आप सभी के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस।